वहीं महाराष्ट्र की राजनीति में 23 नवंबर 2019 को राजभवन में सुबह तड़के हुआ देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार का शपथ ग्रहण एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। फडणवीस ने इसे शरद पवार की चाल बताया तो पवार साहब ने फडणवीस को नौसिखिया क्रिकेटर बता दिया। अब फडणवीस ने भी शरद पवार को गुगली फेंकने की चेतावनी दे दी है। मुझे बहुत खुशी है, कम से कम सच पवार साहब के मुंह पे मैंने लाया, लेकिन ये भी आधा सच है, बचा हुआ सच भी जल्दी ही बाहर लाऊंगा। मैं भी गुगली फेंकूंगा और बचा हुआ सच बाहर आएगा। मेरी एक गुगली ने ये तो सच बाहर निकाल दिया। कौन सा सच बाहर आएगा? क्या महाराष्ट्र में फिर कोई सियासी धमाका होगा? क्या फडणवीस को फिर कोई तुरुप का इक्का मिल गया है, या वो बेवजह शरद पवार को चिकोटी काट रहे हैं? जवाब है सूर्योदय से पहले का वो शपथ ग्रहण, जब चाचा शरद पवार से बगावत कर अजीत पवार ने बीजेपी से हाथ मिला लिया था और फडणवीस पौ फटते ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए थे। लेकिन तजुर्बेकार शरद पवार ने अंत तक हार नहीं मानी। सियासत से अदालत तक लड़ते ही फडणवीस को कुर्सी से उतारकर ही दम लिया। 3.5 साल बाद भी फडणवीस की ये टीस खत्म नहीं हो सकी। जैसे ही शरद पवार का जिक्र आया, फडणवीस ने दर्द की वो कहानी दोहरा दी, इस इल्जाम के साथ कि वो जाल पवार साहब ने ही बुना था। मराठा क्षत्रप ने बीजेपी की पीठ पर छुरा घोंपा था। कुल मिलाकर पवार साहब के साथ ही हमने तय किया था, जिस समय उद्धव जी ने हमको धोखा दिया और हमारे पीठ में छुरा घोंपा, तो हमने रिटेलिएट करने का निर्णय किया। उस समय सामने से चलकर एनसीपी के कुछ लोग ये कह रहे थे कि हम नहीं चाहते कि 3 लोगों की सरकार बने, स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बनेगी, महाराष्ट्र का नुकसान होगा, हम चाहते हैं बीजेपी के साथ आना। हम लोगों ने चर्चा की, शरद पवार जी से ही चर्चा की, शरद पवार जी ने हामी भरी। जब वो हट गए तो अजीत पवार ने ये स्टैंड लिया कि भाई ये गलत बात है, हम तो जाएंगे, और हमने शपथ ली। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो केस हुआ उसमें जिस प्रकार का निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आया उसके कारण अजीत पवार के लोग डिस्क्वालीफाई हो सकते थे, इसलिए फिर वो वापस चले गए। तो ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, प्लान हुआ था, उस प्लान को एक्सीडेंट में तब्दील किया गया। फडणवीस के साक्षात्कार के चंद घंटे बाद ही पवार साहब ने भी चुप्पी तोड़ी, लेकिन ना तो आरोपों को स्वीकार किया ना ही इनकार किया। सालों तक बीसीसीआई और आईसीसी की कमान संभाल चुके 82 साल के पवार अचानक क्रिकेट के पिच पर आ गए। फडणवीस को हिट विकेट बताने लगे, दोनों एक दूसरे को गुगली का डर दिखाने लगे। मेरा नाम सतीश शिंदे, ये देशातले उत्तम गुगली बोलर होते। त्या गुगली बोलरना मोठ्या मोठ्या लोकांचं विकेट त्यांनी घेतलेलं आणि मी जगाच्या क्रिकेटचा अध्यक्ष होतो, त्यामुळे मला गुगली कसा टाकायचा आणि कुठं टाकायचा मी जरी खेळलो नसतं तर माहीत होतं, याच्यापेक्षा जास्त काही विचारणार। आता विकेट दिली विकेट दिली ते करायचं काय, ती विकेट घेतलीच पाहिजे। मुझे बहुत खुशी है, कम से कम सच पवार साहब के मुंह पे मैंने लाया, लेकिन ये भी आधा सच है, बचा हुआ सच भी जल्दी ही बाहर लाऊंगा। मैं भी गुगली फेंकूंगा और बचा हुआ सच बाहर आएगा। मेरी एक गुगली ने ये तो सच बाहर निकाल दिया, अब बचा हुआ सच भी आएगा और मैं धीरे धीरे उनसे बुलवाऊंगा। महाराष्ट्र की राजनीति में एक तरफ बीजेपी और शिंदे की सेना है तो दूसरी तरफ एनसीपी कांग्रेस और उद्धव की सेना। लेकिन सूत्रों की माने तो उद्धव ठाकरे प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी को भी विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि प्रकाश अंबेडकर शरद पवार के धुर विरोधी, लिहाजा वो भी पवार को क्लीन चिट नहीं दे रहे, फडणवीस की गुगली का इंतजार कर रहे हैं। अभी आधा त्रुट आया है बाहर वहां पर की शरद पवार ने कहा कि इनकी सत्ता की लालसा हमको बाहर निकाल दी है और इसलिए हमने इनको दाना खिलाया, ये दाना खाना आए, जैसे ये खाने लगे वैसे हमने वो दाना उठा के, तो उसके ऊपर का जो सवाल था देवेंद्र फडणवीस का, दिस इज नॉट द लास्ट बॉल। तो मेरे ख्याल से हम लोग रुकेंगे जब तक देवेंद्र की बॉलिंग क्या होती है वो देखने के लिए। नवंबर 23, 2019 की सुबह 8 बजे महाराष्ट्र की राजनीति में तगड़ा भूचाल आया था। देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी के अजीत पवार के साथ अल सुबह सीएम पद की शपथ लेकर पूरे देश को चौंका दिया था। फडणवीस ने चाचा से बगावत कर बीजेपी से हाथ मिलाने वाले अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनाया था। हालांकि दोनों 80 घंटे ही अपनी कुर्सी पर बैठ पाए और शरद पवार के संघर्षों के कारण सरकार गिर गई। तकरीबन 1 साल बाद शरद पवार ने इशारों इशारों में इसे अपना ही बुना जाल बता दिया था, लेकिन 3.5 साल बाद फडणवीस के जुबान से इसका जिक्र किसी और सियासी धमाके का इशारा दे रहा है।
अजित पवार का सुबह का शपथ ग्रहण भले ही सफल न हुआ हो, लेकिन बीजेपी को हमेशा से ये उम्मीद थी कि अजित पवार आज नहीं तो कल एनसीपी को बीजेपी के करीब ला सकते हैं। इस बीच एनसीपी में टूट की खबरें भी आई, लेकिन एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने पार्टी में टूट की खबरों को जिस तरह से संभाला, बीजेपी की उम्मीद टूट गई। बीजेपी को लगता है कि अब एनसीपी पूरी तरह से विपक्ष के साथ खड़ी है, यही कारण है कि बीजेपी ने एनसीपी पर हमला तेज कर दिया है। अब देखना यह है कि क्या बीजेपी अजित पवार को फिर से अपने पाले में लाने की कोशिश करती है, क्योंकि जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि अभी उनकी अगली गुगली बाकी है, सभी की नजर अजित पवार पर टिकी है। कैमरा अखिलेश ठाकुर के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज 24 मुंबई।